हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गुरुकुल के शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। 16 कलाएं 64 विद्याएं, पूर्ण कृष्ण भगवान है। शिक्षा उन्हें दे गुरु संदीपन, जगत गुरु जो महान है। गुरुकुल के शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। वेद शास्त्र उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों की शिक्षा। वेद शास्त्र उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों की शिक्षा। साथ साथ देते श्री कृष्ण को शस्त्र चलाने की शिक्षा। साथ साथ देते श्री कृष्ण को शस्त्र चलाने की शिक्षा। गुरु माता का स्नेह मिले, श्री गुरु देते दीक्षा। गुरुकुल की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। 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 शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। सेवक है संग में, संग है सवारी। शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी। पग पग चलना, भूमि पे सोना, संयम से विचलित नहीं होना। भिक्षा मांग के भोजन पाना, ब्रह्मचार्य के नियम निभाना। भारतीय बटुकों की परंपरा है न्यारी। शिक्षा
शिक्षा प्राप्त करने को चले हैं ब्रह्मचारी मथुरा से अवंतिका शिवाय ओम नमः शिवाय जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते शंभु नमस्ते स्वयं कृपाल शंभु नमस्ते जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे इदं नमः ओम श्रद्धायै स्वाहा इदं श्रद्धायै इदं परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः दूषं मूर्जग्वं शतकृतो स्वाहा
भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें। यहां आने का कारण? यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए। इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहां तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी, गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग? वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहां भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका कोटिशय धन्यवाद। देखो बच्चों, इस पेड़ को रोग लग गया है। इसके ये पत्ते सूख रहे हैं। इसकी जड़ों को औषधि की आवश्यकता है। प्रणाम गुरु माता। सुदामा सुनो। गुरु माता, मुझे याद है कल आपने कहा था पानी कम हो गया है, इसलिए मैंने आज आपकी रसोई में 5 घड़े पानी रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं। जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। सुदामा, तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा माता। रहने दो, हम अपनी चटाई स्वयं बिछा लेंगे। नहीं,
कल स्वयं बिछा लेना, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तक ये कुटिया मेरी थी और तुम दोनों पहली बार एक अतिथि की तरह मेरी कुटिया में आए हो। सो अतिथि को भगवान रूप समझकर ये मेरा धर्म है कि आपका भगवान की तरह इस कुटिया में स्वागत करूं। सो इस समय मुझे अपनी सेवा करने दो। अच्छी बात है। तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतनी जल्दी? क्यों, इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए? नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है, इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया।
Oh.
मैं तुम दोनों की प्रतिभा से अति प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने समस्त 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही मुझसे प्राप्त कर लिया है। ऐसी तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मानव में नहीं हो सकती। तुम दोनों सचमुच किसी विलक्षण कोटि के जीव हो। आज मैं तुम्हें उन दिव्य शक्तियों का परिचय दूंगा जो योग साधना द्वारा प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। ये मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है, इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इस मूलाधार पद्म का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की सिद्धि मिलती है। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है जो नाभि देश में अवस्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है जो हृदय मंडल में विद्यमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से अणिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्ध चक्र है जो कंठ में विद्यमान है। इस पद्म की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्युपाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भवों के बीच स्थित है। इस पद्म की केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्म, विष्णु और शिव का निवास है। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के मिलने का भी स्थान है। इसके पश्चात 7वां चक्र है, सहस्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला ये पद्म ब्रह्म रंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्रदल कमल की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है। इसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय है। ये प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप
परमात्मा है। इनके अतिरिक्त और भी कई सूक्ष्म शक्ति केंद्र हैं, परंतु मैंने तुम्हें केवल मुख्य केंद्रों का ही विवरण संक्षेप में बताया है। तो कल तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूर देश की यात्रा करोगे? गुरुदेव ने तो ऐसा ही कहा है। काश मुझ में भी तुम्हारी जितनी प्रतिभा होती तो गुरुदेव मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करते, तो मैं भी नित्य प्रति ऐसी ही यात्रा करता। नित्य प्रति कहाँ जाते? नित्य प्रति मैं अपनी माता के पास जाता। वो प्रतिदिन सवेरे सवेरे दही बिलोती है, उसमें से माखन निकलता है। मैं रोज वहां जाकर माखन खाता और फिर यहां चला आता। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। माँ दही बिलो रही है और तुम चुपचाप उसके पास बैठे माखन मिश्री खा रहे हो। नहीं, मिश्री नहीं, हमारे पास इतना धन नहीं कि हम मिश्री खरीद सकें। हाँ, कभी कभी किसी यजमान के घर से थोड़ा सा गुड़ मिल जाता है, बस उसी से मुंह मीठा कर लेते हैं। अच्छी बात है। प्रणाम गुरु माता। दीर्घायु भवंतु। आज वन से लकड़ियां लाने की बारी तुम लोगों की है, सो तनिक जल्दी चले जाओ। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कहीं वर्षा ना आ जाए। परंतु पहले मुझे आपकी रसोई में पानी के 5 घड़े रखने हैं। इसके लिए मैं किसी और को कह दूंगी। गुरु माता, आज पानी भरने के लिए हम दाऊ भैया को यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छी बात है, लकड़ियां हम और सुदामा ही ले आएंगे। लो ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूं, भूख लगने पर इन्हें खा लेना। गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो। Thank you.
अरे 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 अरे, तो क्या हुआ, डरते क्यों हो? पूछते हो डरते क्यों हो, वो हमें खा जाएगा। अरे वाह, मेरे होते कैसे खा जाएगा? तुम कोई शेर बब्बर हो जो तुमसे डर जाएगा। ये भी ठीक है, फिर तो एक ही उपाय है बचने का। क्या? किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुना है कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाँ ये ठीक है। अरे बैठा है। तो क्या हुआ? उस बेचारे को भी तो बरखा से बचने का कोई स्थान चाहिए। इसे बेचारा कहते हो? ये विशाला नाग है, काट लिया तो प्राणों की छुट्टी। अरे वाह, कृष्ण के होते नाग तुम्हें कैसे काट सकता है? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो नाग भी तुम्हारे डर से मुझे नहीं काटेगा। अच्छा अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं उसे हटा देता हूँ। हे नाग देवता, मेरा मित्र तुम्हारे कारण भयभीत है, इसलिए तुम किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। कैसे हो, तुम्हें डर भी नहीं लगता? कैसे आराम से उसे पकड़ लिया, जैसे तुम्हें सांप पकड़ने का जादू आता हो। अरे मित्र, संसार में सबसे बड़ा जादू एक ही है, प्रेम। प्रेम के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, केवल प्रेम था। सो प्रेम की भाषा को समझकर उसने मेरा कहना मान लिया। अब तुम निश्चिंत होकर बैठना। अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना। मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ओह,
ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा, आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? तो कृष्ण क्या कर लेगा? इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। पेड़ पर फल ना सही, परंतु कृष्ण के पास खाने का चबेना तो है। तुम्हारे पास चबेना है? कहां से आया? वो मुझे भूख कम लगती है ना, तो जब पिछली बार वन में लकड़ियां लेने आया था, उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो, दो मुट्ठी भर चने निकल आए। अब जल्दी से खा लो। अरे ये क्या, ये दोनों मुट्ठी तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं। ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूं। मैंने झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसकी मित्रता को लज्जित ना करो मित्र। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। अरे मुझे धोखा देने का पूरा अधिकार है तुम्हें, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है कि यदि एक मित्र धोखा भी दे तो भी दूसरा उसे मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को हंस के स्वीकार कर ले। अरे यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? इसलिए फिर कभी क्षमा मांगकर इस रिश्ते को लज्जित ना करो मित्र। मित्र बने हो तो मित्र की अच्छाई बुराई सब भूल जाओ, केवल मित्र बने रहो, बस केवल मित्र। पूजा है तू सुमन चुनला
आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में सामान्य स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि ये स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें।
कहां जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। बहुत दिनों से श्री बद्री नारायण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सोचा आज उनके दर्शन ही कर ले। वैसे भी वो स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, जहां से आत्मा को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। चलो। स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और भक्त इस परम पवित्र बद्री वन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वो लोग दिव्य शरीर धारण करके यहां रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। उन सब महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहां विद्यमान है, उन सबको प्रणाम करो। जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें।
महामुनि सांदीपनी, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे, परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई, उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। हरे कृष्ण। आओ कृष्ण, आओ बलराम। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। कृष्ण, तुमने हमसे ये पूछकर अपने शिष्य धर्म का ठीक ही पालन किया है, परंतु मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता, फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? बोलो। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींच कर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा।
जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए। त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। कहिए इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? भगवान, मेरी गहराइयों में पांच जन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है।
इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं है, इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? कुछ नहीं, अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। हाँ चलो। दो दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। यम दंड को शक्तिहीन कर दे, तीनों लोक में ऐसा कौन है, उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। त्रिलोकपति, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें।
इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में जहां भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम ना करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से हमारे श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सर्वदा अचल रहेगी। सुदामा, गुरु माता कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है? हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या, मेरा पुनर्दत्त आ गया है? क्या क्या कहा, पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। वो देखिए, करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं समुद्र की लहरों में बह गया था। फिर क्या हुआ, तू कैसे बच गया? मुझे कुछ याद नहीं रहा, शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर
फिर मैं लहरों में बहते बहते कहाँ पहुंच गया मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना ही याद है कि आंखों के सामने कभी अंधेरा कभी उजाला चाहता रहा। बेहोशी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे, इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। गुरु माता, गुरु माता, इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। क्या स्मृति खो गई थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन को कोई झटका सा लगे तो मनुष्य की स्मृति ही खो जाती है। पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे हम दोनों समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर इसे ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला भैंसा था, उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्य राज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। कृष्ण वत्स से मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है, उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा विछोह कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। गुरु माता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्यों? क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? हैं, बल्कि एक नहीं दो दो माताएं जीवित हैं। क्या दो दो माताएं? हाँ गुरु माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं, इसलिए एक के पास रहता हूं तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूं तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है,
तो आज आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूं और ये आशीर्वाद देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार सारे संसार के दुखियों का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करे और तुम्हारी जय जयकार करे और तुम्हारी जय जयकार करे वत्स। गुरु माता, आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा। माता, ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए, मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा।